आगरा में जीआरबी पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से 5 असला बरामद हुए हैं। ये बदमाश किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इन बदमाशों को पकड़ लिया। आइए आपको दिखाते कि इस मामले पर एसपी नितिन तिवारी का क्या कहना है। करीबन 5 असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं, जिनमें एक रिवॉल्वर है और 4 तमंचे हैं। ये सभी कंट्री मेड हैं और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम है दानिश और एक का नाम है शाकिर। इनमें से एक व्यक्ति अभी से कुछ दिन पूर्व जनपद आगरा में ही न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक डकैती घटना कारित हुई थी, उसमें ये व्यक्ति जेल गया था और उसके बाद जेल से बाहर निकल के जमानत पर बाहर आकर ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि ट्रेन के अंदर ये किसी तरह की घटना को कारित करें। उसी के लिए असलहे और तमंचे ये एकत्रित कर रहे थे जिससे उस घटना को अंजाम दें। पुलिस ने इस घटना से घटना को कारित करने से पहले ही पुलिस ने इनको नैप किया है, इनको पकड़ा है, जिससे घटना प्रिवेंट की गई है। SPN 9 न्यूज के लिए आगरा से MM शर्मा की रिपोर्ट।